T20 वर्ल्ड कप में तो टीम इंडिया बाहर हो चुकी है, लेकिन इंडियन टीम का जो क्रिकेट है वो यहाँ खत्म नहीं होता, इसके बाद एक नई शुरुआत होती है। तो इंडियन टीम का वर्ल्ड कप के बाद और IPL 2023 से पहले तक का एक नया और फाइनल शेड्यूल सामने आया है, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि आप सब फैंस हैं, आप एक बार दोबारा अपनी टीम को मैदान पर देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडियन टीम पहले खेलेगी 3 ODI और 3 T20 न्यूजीलैंड के खिलाफ, ये न्यूजीलैंड में खेले जाएंगे। उसके बाद 3 ODI और 2 टेस्ट मैच खेलेगा भारत बांग्लादेश में खेले जाएंगे। उसके बाद 3 ODI और 3 T20 मैचों की सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली जाएगी, और इस सीरीज को खेलने के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम हिंदुस्तान आएगी, और ये सीरीज साल के अंत में एकदम दिसंबर के जो लास्ट वीक है तब शुरू होगी। उसके बाद न्यूजीलैंड भारत के दौरे पे आएगी, यानी कि अभी आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं और उसके बाद न्यूजीलैंड आपके दौरे पे आएगी। यहाँ पर 3 ODI और 3 T20 मैच खेलेगी न्यूजीलैंड टीम, यानी कि स्टार्ट होगा जनवरी 10 के बाद, ये आपका जो न्यूजीलैंड का दौरा स्टार्ट होगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट और एक बड़ी सीरीज 3 ODI और 4 टेस्ट मैच वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ये इंडियन टीम अपने घर पे खेलेगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान आएगी खेलने के लिए 4 टेस्ट मैच और 3 ODI, और जो टेस्ट मैचेस हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है, तो 3, 3, 9, 12, 15 ODI मैच। IPL से पहले इंडियन टीम 15 ODI मैचेस खेलने वाली है, और अगर हम T20 की बात करें तो 9 T20 मैचेस रहने वाले हैं और कुल 6 टेस्ट मैच हैं, यानी कि 15 ODI, 9 T20 और 6 टेस्ट मैच इंडियन क्रिकेट टीम खेलने वाली है IPL 2023 से पहले। और हम तो यही चाहेंगे कि T20 में जो आपने 9 T20 मैचेस खेले हैं उनमें सभी में हार्दिक आपके कप्तान रहे, या तो फिर अब आप एकदम उनको जिम्मेदारी दे दें, या अगर आपको लगता है कि हार्दिक जिम्मेदारी के लिए कप्तानी के तैयार नहीं है, उनकी इंजरी के इश्यूज हैं, फिर आप कोई कप्तान ढूंढें, वरना आपको T20 में नया कप्तान लाना पड़ेगा, नई टीम बनानी पड़ेगी। तो एक नया शेड्यूल इंडियन क्रिकेट टीम का आ चुका है। आप वर्ल्ड कप हार गए लेकिन क्रिकेट यहाँ नहीं रुकता, आपको यहाँ से मूव ऑन करना पड़ेगा, नए चैलेंजेस को देखना होगा, अपने आप को अगले साल के जो वर्ल्ड कप है उसके लिए तैयार करना होगा अच्छे से, सिर्फ बोल कर नहीं कि हम नंबर वन नहीं, अच्छे से तैयार करने के लिए अब आपको तैयारी शुरू कर देनी होगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ जो 3 ODI स्टार्ट हो रहे हैं तब से एकदम पूरी आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए।